नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है उस चैप्टर फर्स्ट के अंदर सेकंड जो टॉपिक है प्रोफेशन, जिसे हम पेशा कहते हैं, उस पेशे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेशा जो है पेशा क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त की कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है उसका सेकंड टॉपिक पेशा, प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन। पेशा किसे कहते हैं, पेशा क्या होता है, पेशा। जैसे कि आप ये समझ चुके हैं कि एंशिएंट टाइम पे, पुराने टाइम पे तो बिजनेस और पेशा दोनों एक ही था, लेकिन मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करते हैं, आज के युग की अगर हम बात करते हैं, तो आज वर्तमान समय में पेशा और बिजनेस दो अलग एक्टिविटी हो चुकी है। ठीक है, और अलग एक्टिविटी होने के कारण तो हमारे सामने एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि प्रोफेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस। क्यों कहा गया पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि पहली बात तो मॉडर्न टाइम में इसका उदय हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी की तरह अर्निंग मनी है, इसका मोटिव भी क्या है, अर्निंग मनी है। तो फिर इसको अलग क्यों किया गया, जब ये बिजनेस का पार्ट है, इसमें अर्निंग मोटिव जो है वो अर्निंग मनी इसका मोटिव है, तो फिर बात करते हैं कि प्रोफेशन अलग क्यों है। तो उसके लिए प्रोफेशन बिजनेस से अलग क्यों है, उससे पहले हमें प्रोफेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिरकार प्रोफेशन होता क्या है, इसके मीनिंग क्या है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस मैन कहते हैं, तो प्रोफेशन करने वाले कहलाएंगे क्या। तो चलते हैं सबसे पहले कि मीनिंग्स ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम मीनिंग्स ऑफ प्रोफेशन की बात करें, या फिर ऐसे कहें कि जो व्यक्ति प्रोफेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो व्यक्ति पेशा को अपनाते हैं उन्हें पेशेवर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेशेवर कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं, उन्हें प्रोफेशनल्स कहते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति पेशेवर काम में लगे होते हैं, जो व्यक्ति पेशा को अपनी आजीविका के रूप में, अपनी रोजी रोटी के रूप में अपनाते हैं, जो व्यक्ति पेशे को धनार्जन का एक माध्यम बनाते हैं, उन व्यक्तियों को हम पेशेवर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पेशेवर जो व्यक्ति हैं उनका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में आपके टीचर, एग्जाम्पल में आपके सीए, एग्जाम्पल में आपके डॉक्टर, सीए है, डॉक्टर है, टीचर है, एक्सेप्टेंट बहुत से लोग हैं। ठीक है, जैसे वकील वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी वो लोग हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, ये सभी वो व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। तो सर हमें ये तो पता लग गया कि प्रोफेशनल कौन होते हैं, जो पेशेवर एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हमें और क्लियरिफाई हो गया, लेकिन अभी तक हमारे सामने पेशा है क्या। तो देखिए, पेशा जो है एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, पेशा एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेसिफाइड नॉलेज, जिसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्ड पर्सन, स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्ड नॉलेज, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें व्यक्ति एक स्पेसिफिक नॉलेज रखता है, एक स्किल्ड पर्सन होता है। ठीक है, जिसमें उसके अंदर क्या होती है, स्किल होती है, उसमें कुछ दक्षताएं होती है, कुछ स्पेशल नॉलेज, और उसी स्पेशल नॉलेज के बेस पे कुछ स्पेशल योग्यताएं होती है। ठीक है, और जब एक व्यक्ति इन स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल के माध्यम से अर्निंग करता है,
तो उस काम को हम प्रोफेशन कहते हैं, उस काम को हम क्या कहते हैं, उस काम को हम प्रोफेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा फिर बता, प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक व्यक्ति किसी स्पेशल नॉलेज को पहले अर्जित करता है, उसमें पहले ट्रेनिंग लेता है, पहले ट्रेंड होता है और फिर उसी स्पेशल नॉलेज के बेस पे वह कमाकर खाता है, वह धनार्जन करता है, वह अर्निंग मनी करता है। तो बच्चों यहां पर दो शब्द मैंने आपको स्पेशल बताए, एक तो स्पेसिफिक नॉलेज पेशे के लिए जरूरी है और दूसरी चीज स्किल्ड पर्सन होना जरूरी है, उसके पास योग्यता होना जरूरी है। अगर स्पेशल नॉलेज और स्किल्ड पर्सन नहीं होगा तो प्रोफेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया टीचर्स, ठीक है, टीचर जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, मास्टर डिग्री उसके पास में होनी चाहिए, उसके पास में बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री जो बीएड डिग्री होती है वो होनी चाहिए, ठीक है, जब भी वो एक टीचर बन सकता है। इसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अगर उसके पास में है, स्पेसिफिक नॉलेज है और सीए का काम करने में अगर वह व्यक्ति दक्ष है तो ही उसे सीए कहेंगे, तो ही उसे प्रोफेशनल कहेंगे। तीसरा है डॉक्टर या इंजीनियर की बात करें तो यहां पर भी इनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति सीए नहीं होता, हर व्यक्ति टीचर नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास उस सब्जेक्ट की स्पेशल नॉलेज होती है वही व्यक्ति उस प्रोफेशन को अपनाता है, ठीक है। तो हमने बात की कि प्रोफेशन क्या है, चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। आप अगर इसके ऊपर छापना चाहो तो छाप सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसने इसको डिफाइन किया है कि व्हाट इज द प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसमें एक तो प्रोफेसेस जो है वह एक स्पेशल नॉलेज रखता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है विच इज यूज स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज यूज आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स, जिसमें वो व्यक्ति जो है उस प्रोफेशन उस स्पेशलाइज जो नॉलेज है उस स्पेशल नॉलेज के बेस पे उस स्पेशल नॉलेज के बिहाफ पे लोगों को क्या करता है, इंस्ट्रक्टिंग करता है, लोगों को इंस्ट्रक्टिंग करता है, लोगों को गाइडिंग देता है, ठीक है, और लोगों को एडवाइजिंग करता है और उसी एडवाइजिंग के बेस पर वह अर्न मनी करता है, धन कमाता है, ठीक है। तो ये था वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। एक बार आप इसको फटाफट छाप लें। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। हमने प्रोफेशन को जाना, प्रोफेशन की डेफिनेशन को समझा और अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, कि प्रोफेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, तो आइए चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। तो सबसे पहला जो पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन जो है उसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। अगर फर्स्ट विशेषता को, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बात करें तो प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अगर प्रोफेशन में से स्पेशलाइज्ड नॉलेज को निकाल देंगे तो प्रोफेशन बचेगा ही नहीं। प्रोफेशन की आत्मा जो है, प्रोफेशन की जो साउल जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसके बेस पे वो रेम्यूनरेशन कंसिडरेशन प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमने बात की बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशन बनाई किससे है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से बनाई, अर्थात उसके पास वो विशिष्ट ज्ञान जिसके बल पे वो कमाई करता है। चलते हैं दूसरा पॉइंट अगर बात है तो वह फॉर्मलाइज मेथड एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर्मलाइज मेथड्स मतलब इस स्पेशल नॉलेज को लेने के लिए कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बने होते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है। और जब तक आप फॉर्मल मेथड से उनको नहीं अचीव करेंगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको
टीचिंग के लिए किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां आपको टीचिंग की जो स्किल्स है उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब तक आप फॉर्मल तरीके से औपचारिक तौर पर आप उनसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेंगे, जब तक आप उनसे औपचारिक तौर पर नहीं सीखेंगे, तब तक प्रोफेशनल से नहीं बन सकते। तो फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नंबर थर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कहते हैं, ठीक है, अर्थात एक नियमावली। जितने भी प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं उनको एक नियमावली का पालन करता है। वो जो नियमावली जो है, वो जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता में क्या है? देखो, हर प्रोफेशन की कुछ नियमावली होती है, जैसे रूल्स, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी को साथ में रखना पड़ता है। आप प्रोफेशनल्स व्यक्ति हैं तो नो डाउट आपके अंदर ऑनेस्टी भी होनी जरूरी है। तीसरा है मॉरलिटी, मतलब नैतिकता। जी हां, बिजनेस से ज्यादा मॉरलिटी अगर पाई जाती है तो प्रोफेशन में पाई जाती है। जॉब से ज्यादा मॉरलिटी अगर पाई जाती है तो प्रोफेशन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहा है, और जब व्यक्ति सेवाएं देता है, क्योंकि यहां पर किसी चीज का लेन देन नहीं होता, यहां पर किसी भौतिक वस्तु का लेन देन नहीं होता, यहां पर सेवाओं का लेन देन ज्यादा होता है। तो सेवाओं का लेन देन जहां पर होता है वहां पर मॉरलिटी जरूरी होती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो डॉक्टर की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह उससे कंसिडरेशन प्राप्त कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी है कि उस कंसिडरेशन के बदले उस जो पेशेंट है उसका इलाज हो, उसको वो सही गाइड करे, उसको सही इंस्ट्रक्ट करे, ताकि उसका उस बीमारी से पीछा छूट जाए। एक टीचर जो उसे अपने स्टूडेंट से कंसिडरेशन प्राप्त कर रहा है तो उसकी मॉरलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दे ताकि वो एग्जाम को अच्छे से फाइट कर पाए। तो बात कर रहे हैं मॉरलिटी। नंबर फोर्थ इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। मैंने अभी जस्ट थर्ड पॉइंट में भी बात की कि यहां पर जो प्रायोरिटी जो दी जाती है, आपके जो प्रोफेशनल जो है, पेशेवर जो लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है सर्विस, न कि इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। सर्विस में लोगों के साथ सेवा भावना जुड़ी होती है। एक डॉक्टर है, उसके पास में अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है और आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास आपकी फीस के 500 रुपए नहीं है, केवल मेरे पास ये 200 रुपए है। अगर रियल में वो दिल से डॉक्टर होगा तो उसको पेशेंट को मना नहीं करेगा कि कोई बात नहीं, आपके पास 500 रुपए मेरी फीस के नहीं है, नो डाउट मैं आपको दवाइयां लिख देता हूं, अगर आपके पास में दवाइयों के पैसे भी नहीं तो आप मेरे से ले जाए। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने ऐसे देखा है, ठीक है। इसी तरह से टीचर्स भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं, जो अपनी जो सर्विस है उस सर्विस की जो फीलिंग है, सेवा भावना जो है उसको ऊपर रखते हैं। तो ये प्रोफेशनल एक ऐसा काम है जहां पर नो डाउट फीस ली जाती है, लेकिन फीस के साथ में सबसे पहले ऊपर क्या है, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस मंथली, ठीक है। तो हमने बात की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। आप फटाफट इनको एक बार छाप लें कि यहां क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रोफेशन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब हम तीसरा जो टॉपिक है रोजगार और उसकी विशेषताएं, उससे जुड़ी अन्य बातें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यूज, लाइक्स और जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना कीजिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है, अगर मैं आपको पढ़ा करके अपनी नॉलेज बांट रहा हूं तो आप इस वीडियो को शेयर करके भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। जो काम मैं कर रहा हूं वही काम आप भी कर सकते हैं। मैं टीचिंग करके मेरा काम कर रहा हूं, आप इस वीडियो को आगे शेयर करके अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी दे करके आप यही पुण्य का काम कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।